दोस्त, आज हम जिस मेडिसिन पर डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही ख़ास है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये एक पौधे से अगस्त की जाती है जिसके ऊपर एक पीले कलर का फूल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना दोस्त, सेम इसी तरह का इसका फूल होता है। और अगर इसके हम फायदे पर बात करें, नंबर वन, जो कटे फटे ज़ख्म होते हैं उनको बिल्कुल ठीक करने के लिए ये नंबर वन मेडिसन है होम्योपैथिक में। मैं समझता हूँ कि अगर आप एलोपैथिक को उठा के देख लें या किसी भी फील्ड में ज़ख्म को ठीक करने वाली मेडिसिन देख लें, ये उनमें सबसे बेस्ट है। नंबर टू दोस्त, एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी ही ज़ख्म लगा है तो आप ऊपर अगर लोकल एप्लीकेशन के लिए कैलेंडुला इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले टाइम पर आपका दाग नहीं बनेगा। बहुत से भाई दोस्तों का ऐसा मतलब मसला बनता है कि जब एक्सीडेंट या कोई हादसा होता है तो उसके बाद वो स्टिचिंग करा लेते हैं और वो परमानेंट दाग रह जाते हैं। तो अगर आप स्टिचिंग के बजाय कैलेंडुला इस्तेमाल करें तो आप बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं एट अ टाइम कैलेंडुला को लोकल अप्लाई करके। नंबर थ्री, शुगर के पेशेंट ख़ास तौर पर जब वो शेविंग कर रहे हैं और उनको चेहरे पर कोई कट लग जाए और उससे ज़ख्म हो जाए, तो इस कंडीशन में अगर वो लोकल एप्लीकेशन के लिए कैलेंडुला क्यों इस्तेमाल करते हैं और साथ में अगर 30 पोटेंसी में कैलेंडुला इस्तेमाल करते हैं, 5 कतरे सुबह 5 कतरे दोपहर को और 5 कतरे शाम को, तो उनका ज़ख्म बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। नंबर फोर, एक शख्स जो डेंटिस्ट के पास जाता है और अपना जो दांत है वो निकलवा लेता है, अब अंदर की बात है मैं क्या बोल सकता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? फाइट की वजह से या किसी कीड़े की वजह से वो निकलवा चुका होगा, लेकिन उसका ब्लड बाद में नहीं रुकता। डॉक्टर इसके लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स उनको देते हैं कि उनका ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाए या ख़त्म हो जाए जो ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर कैलेंडुला की पावर में लोकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाए तो ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है और 25 से 26 घंटे बाद जाके महसूस होता है जैसे यहाँ पर कोई चीज़ हुई ही नहीं है। नंबर फाइव, अगर आपको माउथ अल्सर काफ़ी अरसे से ठीक नहीं हो रहा, आपने इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स कराए हैं, इलाज कराए हैं, लेकिन अगर आपको अफाका नहीं हुआ, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स कहीं मायूस हो गए, तो इस कंडीशन में मैं समझता हूँ आप कैलेंडुला क्यू ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही कमाल के रिजल्ट सकती है कैलेंडुला क्यू इस हवाले से। और साथ में अगर आप कैलेंडुला 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आला रिजल्ट्स मिलेंगे यार आपको। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।